हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो, जिसमें अगर आप एक नया कैमरा ख़रीदना चाहते हैं और आप एक नया कैमरा लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर क्रॉप सेंसर सोच रहे हैं, या फिर फुल फ्रेम सोच रहे हैं, कोई भी आप एक नया कैमरा लेने का सोच रहे हैं, या फिर किसी भी कंपनी का आप न्यू कैमरा लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है कि आपके लिए वो कैमरा एकदम परफेक्ट रहेगा, या फिर आपको उसमें क्या क्या फीचर्स देखने हैं कि आपको ये कैमरा एकदम आपके लिए परफेक्ट रहेगा, आप बात तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उस कैमरे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सिर्फ इन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको आपके लिए एक अच्छा कैमरा कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो करते हैं दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप एक नया कैमरा ख़रीदना चाहते हैं, वो भी किसी भी कंपनी का, तो फर्स्ट थिंग आपको ये देखना है उस कैमरे में, क्योंकि उसका लेंस अगर मैनुअल है उसका लेंस उस कैमरे का, वो अलग से उसमें दूसरा लेंस भी लग जाता है, और पोर्टेबल लेंस है मतलब उस कैमरे में। तो फर्स्ट थिंग आपको सबसे पहले यही देखना है कि उसमें आपको अलग से लेंस लगाने का ऑप्शन मिलता है या नहीं। और सेकंड थिंग पर हम आते हैं इसका, अगर आप कोई भी कैमरा ले रहे हो, किसी भी कंपनी का ले रहे हो, तो उसमें कम से कम 18 मेगापिक्सल आपका होना ही चाहिए। अगर आप उससे कम का लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज क्वालिटी अगर अच्छी नहीं आ पाएगी, और वीडियो क्वालिटी भी उसमें अच्छी नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ तीसरे ऑप्शन के बारे में, जो है इसका कैमरे के अंदर 50 FPS होना ही चाहिए। आपको फुल HD 50 FPS कम से कम आपके कैमरे में होना ही चाहिए। अगर आप YouTube की वीडियो बना रहे हैं, या व्लॉगिंग कर रहे हैं, या क्या करेंगे उस कैमरे से, या फिर कोई भी म्यूज़िक वीडियो बनाना चाहते हैं, कैसी भी वीडियो बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपको हाफ फ्रेम भी स्लो मोशन में डालने हैं, तो आप 50 FPS यूज़ करके उसको स्लो कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा डुअल ऑटो फोकस सिस्टम, उस कैमरे में बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर आपके कैमरे में डुअल ऑटो फोकस सिस्टम नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपका फोकस वो बार बार हंटिंग करेगा आपके साथ ही। अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें अगर आपका सब्जेक्ट आगे पीछे मूव करता है, तो उसे फोकस करने में वो हंटिंग करेगा अगर आपके कैमरे में डुअल ऑटो फोकस सिस्टम नहीं है। और उसके बाद मैं आता हूँ अपने जो आप कैमरा ले रहे हैं उसमें ऑडियो आउटपुट और इनपुट माइक ज़रूर होना चाहिए। इनपुट माइक और आउटपुट जैक जो माइक का है वो ज़रूर होना चाहिए। अगर आप उसमें एक्सटर्नल ऑडियो देना चाहते हैं, तो आप उसके साथ उसे दे सकते हैं अच्छे तरीके से, और आप उस पर कोई भी माइक लगाकर अच्छे से यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आती है हमारी रोटेट डिस्प्ले, और रोटेट डिस्प्ले में ये है कि अगर आप एक रोटेट डिस्प्ले वाला प्ले लेते हैं अपने कैमरे में, तो आप उसे अपने साइड यूज़ करके या उस डिस्प्ले को घुमा के अपना खुद का वीडियो अच्छे से शूट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी मैं ये वीडियो M50 से शूट कर रहा हूँ कैन के से, जिसमें रोटेट डिस्प्ले है, तो मैं अभी सामने देख सकता हूँ कि मेरा व्यू कैसा आ रहा है, या फिर मेरी लाइटिंग कैसी पड़ रही है, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं भी चल रही, तो उस चीज़ों का सारा ध्यान हमें दिख जाता है अपने वीडियो अपने डिस्प्ले पर। और उसके बाद हमारा आता है अपना फ्लैश स्लॉट, जो एक्सटर्नल फ्लैश हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर उस पर एक्सटर्नल ट्रिगर लगा के या फ्लैश लगा के हम यूज़ कर सकते हैं अपने कैमरे के ऊपर। तो उसमें आपको एक बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आप नाइट में शूट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर फ्लैश लगा के आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल फ्लैश से शूट कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर ट्रिगर लगा के एक अच्छा शूट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा व्यू फाइंडर। आपके कैमरे में व्यू फाइंडर ज़रूर होना चाहिए। अभी मैंने कुछ कैमरे देखे थे, जैसे कि कैनन का M100 हो गया और M10 हो गया, ऐसे कुछ कैमरे आए हैं, जो सोनी में भी है, कैनन में भी है, ऐसे कुछ कैमरे आए हैं जिनके अंदर व्यू फाइंडर नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक व्यू फाइंडर रहेगा तो आप अगर डे में शूट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है तो आपकी डिस्प्ले एकदम ब्राइट हो जाती है, उस पर कुछ दिखता नहीं है, सन का रिफ्लेक्शन आ जाता है, तो उसमें आप व्यू फाइंडर में देख के एक अच्छा शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीजंस। अगर आप इन सारे फीचर्स को अपने कैमरे में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा कैमरा मिल जाएगा, और इसके इन सारे फीचर्स को देखते हुए आपको एक अच्छा कैमरा लेना चाहिए, जिन्हें यूज़ करके आप बाद तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि मेरे में ये चीज़ रह गई या फिर ये चीज़ रह गई। लेकिन अगर आप कोई भी इन सारे फीचर्स को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बाद में 1-2 साल बाद आपको कैमरा चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी उस फीचर की अपने कैमरे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा आईडी पर डायरेक्ट DM कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।